खुद के ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे तैयार करना है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे प्लेटफॉर्म webbusiness.store का ओवरव्यू आज हम लोग लेने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग वेबसाइट लॉगिन करते हैं। हम लोग ब्राउज़र में हमारा ये webbusiness.store ये प्लेटफॉर्म है जो आपको आपका खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना स्टार्ट करने करने से पहले यहाँ पे रजिस्टर करना है, तो हम लोग रजिस्टर पे साइन अप करते हैं। और ये मैंने रजिस्टर कर दिया। अभी हमारे सामने ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करने के लिए जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिला है webbusiness.store का, जिसका डैशबोर्ड ओपन हुआ है और जिसकी वजह से जिसकी मदद से हम लोग अपना ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करना स्टार्ट करते हैं। अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करने के लिए एक आसान तरीका है, जैसे कि हमें अपने वेबसाइट के ऊपर जो भी प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, जिनकी प्राइस अपलोड करनी है, उनके लिए एक फाइल पहले से हमें तैयार करके रखना है, जिसमें प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ, उसकी डिस्क्रिप्शन, उनकी प्राइस, ये सारी चीज़ें हमें अपने डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं तो तैयार करके रखनी है। जैसे कि ये मैंने एक यही स्टोर के लिए फाइल बनाई है, जिसमें उसके लोगो है, देन ये जो प्रोडक्ट है जो हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने वाले हैं, ये ज्वेलरी के बारे में हम लोग तैयार करने वाले हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ज्वेलरी के फोटोग्राफ्स और उनके कैटेगरीज के नाम से ये हम लोगों ने तैयार करके रखे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा वक्त जाया ना। हमें हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड के ज़रिए अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आना है, मतलब बैक एंड में आना है, और यहाँ से हमें वेबसाइट तैयार करना शुरू करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये आपके वेबसाइट का एक क्यूआर कोड है और ये आपके वेबसाइट का लिंक है, और ये जो लिंक है ये कॉपी करके हम लोग दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि अपना वेबसाइट कैसे तैयार हो रहा है। ये एक बेसिक ये है। अभी हम लोग ये वेबसाइट तैयार करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वेबसाइट की स्टोर सेटिंग्स में जाके अपने खुद के वेबसाइट के लोगोज और सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम लोग स्टोर सेटिंग्स पे जाते हैं। स्टोर सेटिंग्स पे जाने के बाद ये लोगोज है, जो लोगो ये हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया। आपके स्टोर का नाम है, स्टोर का ईमेल आईडी है, अभी स्टोर का टैगलाइन अगर हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, एड्रेस डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे फिलअप करनी है कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें अपने ऑर्डर जो है अपने व्हाट्सएप के ऊपर लेनी है, तो अपने व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे डालना है, सेव करना है। हम लोगों ने स्टोर सेटिंग्स देख ली है। अभी इसके आगे पेमेंट सेटिंग्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पे हमारे कंट्री के करेंसी, कंट्री का नाम कंट्री की करेंसी है जिसका सिंबल यहाँ पे रख सकते हैं, और ये डिटेल्स हमें फिलअप करनी रहती है। काफ़ी आसान तरीका है। अभी हम लोग को जो पेमेंट गेटवे यहाँ पे लगाना है या कैसे हम लोग पेमेंट कलेक्ट करेंगे, उसके मेथड यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे COD अवेलेबल है तो मैं COD ये करता हूँ, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके रखता हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं सेव करता हूँ। ये पेमेंट सेटिंग्स भी हम लोगों ने देख ली है। ईमेल सेटिंग्स है, जहाँ पे आपको आपके ईमेल के SMTP डिटेल्स डालने हैं, और आपकी ईमेल की सेटिंग्स भी यहाँ पे आसानी से हो जाएगी। अभी व्हाट्सएप, जो भी व्हाट्सएप नंबर आपका रहेगा जिसपे आपको ऑर्डर के डिटेल्स आए, या क्लाइंट जो व्हाट्सएप के थ्रू आपको कनेक्ट करे, इसके लिए ये सेटिंग्स यहाँ पे दी गई है, जिसमें आपके स्टोर का मतलब स्टोर का नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, और ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर क्वांटिटीज़ क्या है,
ऑर्डर का पेमेंट किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, कहाँ पे आपको ऑर्डर भेजना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी पिक्सल सेटिंग्स मतलब आपके वेबसाइट के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो पिक्सल्स हैं, जिसके लिए ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, जिसको सिलेक्ट करना है और पिक्सल आईडी यहाँ पे डाल के सेव करना है। और फिर वेबहुक्स है, जहाँ पे वेबहुक्स भी आपको दिए गए हैं। और सबसे एंड में व्हाट्सएप सेटिंग है, जिस नंबर के ऊपर आपको आपके ऑर्डर्स चाहिए वो नंबर आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि मैं अभी करता हूँ और ये हम लोग सेव करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग स्टोर सेटिंग हमारा पूरा कर दिए हैं। स्टोर सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपनी थीम सिलेक्ट करनी है, तो थीम के ऊपर आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स दी गई है अच्छे अच्छे, जिसमें से कोई भी थीम और अलग अलग कलर के ऑप्शंस भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो हमें जो पसंद है वो थीम हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अभी ये हम लोग तैयार कर रहे हैं वो ज्वेलरी का ऑप्शन है, तो इसमें ये वेबसाइट थोड़ी अच्छी लग रही है मुझे, इसके लिए मैं सिलेक्ट करके सेव करता हूँ। ये थीम सेव हो गई है। अभी आगे जैसे कि आपके स्टोर को संभालने वाला जो स्टाफ रहेगा, मतलब आपके कलीग्स रहेंगे, आपके पार्टनर्स रहेंगे, जिनको भी आप कुछ भी राइट्स दे सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट अपलोड करना, तो ये यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अभी हम लोग शॉप तैयार करते हैं। शॉप तैयार करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको आपके प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज, आपके प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें एक फाइल में तैयार करके रखने हैं। तो जो हम लोगों ने ऑलरेडी एक फाइल तैयार की है, जिसका अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम लोग कैटेगरीज पे जाएंगे पहले। कैटेगरीज में जाने के बाद हम लोग को कुछ कैटेगरीज तैयार करनी है, जैसे कि ये जो हम लोगों ने फाइल तैयार की है, जिसके अंदर कैटेगरीज है, जो कैटेगरीज का हमें अभी यूज़ होगा। जैसे कि ये चार कैटेगरीज हम लोगों ने तैयार की है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके कैटेगरीज तैयार करते हैं। कैटेगरी का नाम है ये, पहली कैटेगरी है हमारी, ये तीसरी कैटेगरी हो गई, और ये हमारी फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे हम लोगों ने तैयार कर दी है। अभी हमें प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट्स में जाते हैं और एक एक करके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करते हैं। अभी कौन सी कैटेगरी के हम लोग शुरुआत करेंगे, समझो ये अल्फाबेटिकल कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है, तो बैंगल्स हमें शुरुआत करनी है। तो जो भी आपका मॉडल रहेगा वो यहाँ पे अपलोड करना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ चीज़ें आपके पास रहेंगी तो अपलोड करनी है। अभी ये प्रोडक्ट के SKUs, प्रोडक्ट कितना, अगर आप GST आपका है तो आपको यहाँ पे टैक्स यहाँ पे लिखना है, ताकि प्रोडक्ट कोई भी खरीद रहा हो तभी वो प्राइस के अंदर टैक्स भी ऐड हो। अभी ये प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे लिखना है, तो समझो हम लोग ये प्रोडक्ट का प्राइस 500 लिखते हैं, जिसका स्टॉक अपने पास समझो 100 स्टॉक है, ये यहाँ पे लिखते हैं। अभी हमें इस प्रोडक्ट के फोटोज़ अपलोड करने हैं, जैसे कि बैंगल्स हैं, हम लोग ये अपलोड कर देते हैं। यहाँ से भी हम लोग प्रोडक्ट का फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोग तैयार करते हैं और ये सेव करते हैं। यहाँ पे अगर आपके प्रोडक्ट से वेरिएंट्स रहते हैं, मतलब अलग अलग एंगल से हमें फोटोज़ करने हैं या फिर अलग कलर से, ये सारी चीज़ें हम लोग को अपलोड करनी है, तो यहाँ से हम लोग डिस्प्ले वेरिएंट्स भी डाल के ये अपलोड कर सकते हैं। अभी हम लोग ये सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेव। और हम लोग अपनी वेबसाइट जो तैयार कर रहे थे, यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने जो भी चेंजेस किए वो दिख रहे हैं क्या। देखिए अपनी बैंगल्स की कैटेगरी आ गई है, यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया है, प्राइस आ गए, ऐड टू कार्ट का ये आ गया है, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो आगे हम लोग और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे और आगे का प्रोसेस देखेंगे।
सकते हैं। हम लोगों ने अभी काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड किए हैं, जिसमें काफ़ी सारे कैटेगरीज भी हैं। नेकलेस रिंग्स ऐसे चार कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ पे अपलोड किए हैं। अभी देखते हैं आगे का प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग स्टोर्स में जाके अपने प्रोडक्ट्स, अपने कैटेगरीज हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किए कर लिए हैं। अभी प्रोडक्ट के टैक्स, अभी हम लोग समझो GST अपना इंडिया में हम लोग करते हैं, तो समझो यहाँ पे GST 18% सेव। यहाँ पे हम लोगों ने अपना टैक्स का अमाउंट यहाँ पे सेव करके रखा है, टैक्स का परसेंटेज सेव करके रखा है। अभी प्रोडक्ट कूपन, आपकी शॉप के ऊपर कोई फेस्टिवल ऑफर रहती है या फिर कोई भी नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए कुछ आप ऑफर देना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अभी जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो समझो 50% ऑफ देना चाहते हो। मैंने एक ऐसा ही ये प्रोडक्ट का नाम या कूपन का नाम यहाँ पे तैयार कर लिया है, समझो फेस्टिव 50, 50% डिस्काउंट है और ये समझो 100 लोगों के लिए है। अभी कोड जो है फेस्टिव 50 क्रिएट, हम लोगों ने कूपन भी यहाँ पे क्रिएट किया है। शिपिंग, शिपिंग का मतलब है आपका एरिया कहाँ है और आपके एरिया में से कोई एक शिपिंग का नाम आप यहाँ पे रखेंगे और उसके कॉस्ट रखेंगे यहाँ पे, तो वो भी अपने प्रोडक्ट में ऐड हो सकता है ताकि कोई भी आदमी शिपिंग वहाँ पे सिलेक्ट कर सके। चलो अभी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार करके रखी है। हम लोग देखते हैं कि अपनी कंप्लीट वेबसाइट तैयार हो गई है कि नहीं और हमारा वेबसाइट का यूज़ करना शुरू। तो अभी हम लोगों ने जो वेबसाइट तैयार की है वो प्रॉपरली फंक्शनड है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। अभी यहाँ पे हमें वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना है, मतलब एज अ कस्टमर हम लोग ये सब एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी अगर आप नए कस्टमर जो है जिनको लॉगिन किए बिना मतलब आपके ऑर्डर प्लेस नहीं की जा सकती है, तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर करेंगे तो आपको पूरे डिटेल्स आ जाएंगे, जहाँ पे क्लाइंट डिटेल्स भरेगा और फिर यहाँ पे क्लाइंट की डिटेल्स आने के बाद लॉगिन होगा। ये मैंने मेरे लॉगिन कर लिया, आप देख सकते हैं। अभी मैंने ये एक नेकलेस सिलेक्ट किया है, बाद में मैंने बैंगल सिलेक्ट किए हैं और एक रिंग सिलेक्ट की। तो यहाँ पे आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड हो गए हैं। प्रोडक्ट के प्राइजेस के हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे तो प्राइस सब ऐड हो गई है यहाँ पे। अभी हम लोग ने जो कूपन कोड तैयार किया था वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये कूपन कोड मैंने अप्लाई किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कूपन माइनस कर दिया है यहाँ पे हमारे 50% अमाउंट और 50% अमाउंट ही यहाँ पे रख दी है। अभी यहाँ पे डिलीवरी डिटेल्स है, प्रोसीड। अभी हम लोग यहाँ पे प्रोसीड कर रहे हैं ऑर्डर को। यस, योर ऑर्डर इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से वेब बिजनेस डॉट स्टोर इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके हम लोग अपने खुद के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे तैयार करते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।